यहाँ पर किन किन खेलों का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ सभी खेलों का, परंपरागत खेल और रोजमर्रा में खेल खेलने वाले खेलों का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से जबलपुर में एक माहौल, सांसद खेल महोत्सव के कारण पूरे एक हमारे परंपरागत खेल भी हो रहे हैं और जो खेल खेले जाते हैं ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन खेलों का भी आयोजन हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे और निकलेंगे। प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया माननीय सांसद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये खिलाड़ी जो निकलेंगे ये आने वाले समय में जबलपुर का संस्कार दानी का नाम रोशन करेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू, ऐसे परंपरागत खेलों का भी आयोजन, ये सब क्या था, लुप्त हो गए थे ये सब खेल, उन खेलों को वापस जीवंत किया है खेलों के माध्यम से और बहुत उत्साह के साथ लोग यहाँ पर इसमें शामिल हो रहे हैं। और आज आपकी विधानसभा क्षेत्र की टीम का ही मैच, पूरे जबलपुर शहर है हमारा, जो भी जीता है मेरा है जी। आज तो मैं सबका उत्साहवर्धन करने आया हूँ और पश्चिम को निपटाने आया हूँ अभी मैदान में। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सारा जबलपुर हमारा है और दोनों तरफ देखिए खेल में क्या रहता है, अभी खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, आप समझिए बात को, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ये है ना, और जो जीता उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मैदान में है इसलिए विनर है, चाहे वो पश्चिम हो चाहे केंट विधानसभा हो, समझे ना, जो घर में बैठा है वो लूजर है, ठीक है जी। खेल भावना से खेला जाता है, हम लोग अभी तक सारे मैच जीते हुए, पश्चिम विधानसभा का हमारे मंडल ने नेतृत्व किया जी। और आज भी हमने सुबह मैच जीता, अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फिर सर ठीक है 60 रन बनाए हमने और खेल भावना से खेल रहे हैं, चूंकि हवा तेज चल रही थी अभी तो जीतने की सारी उम्मीद है हमारी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए या मनुष्य के जीवन में सीखने के लिए खेल कहाँ तक महत्वपूर्ण होते हैं? खेल जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और निश्चित तौर पर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, तो खेल तो हमेशा सारे खेल व्यक्ति को खेलना चाहिए। शरीरम खलु धर्म साधनम, यस जी। तो चलिए शुभकामनाएं इस मैच के लिए भी और आगामी मैचों के लिए भी और हर एक मैच के लिए आप लोगों को जी। और इसको फाइनल होगा, आज जो टीम इसमें जीतेगी वो फाइनल में जाएगी और पनागर की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। कितनी टीमें लगभग यहां पर हिस्सा ले रही हैं? देखिए मंडलों से टीमें शुरू हुई थी, फिर विधानसभा पे आई, विधानसभा से अब लोकसभा स्तर के मैच चल रहे हैं, तो लगभग हमारे जैसे पश्चिम विधानसभा में 8 टीमों ने खेला, एक हमारी टीम राजेंद्र गोवती मंडल की टीम पश्चिम विधानसभा की टीम यहाँ खेलने आई है, आज वो खेल रहे हैं, ऐसे हर मंडल से 8-8 10-10 टीमें आई होंगी, तो खेल तो पूरे शहर में लोकसभा स्तर पर अच्छे खेल आयोजन हुए और अभी फाइनल 23 को होगा, आज सेमीफाइनल चल रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय तिवारी, पूर्व पार्षद जी। और ये जानना चाहेंगे कब से लेकर के कब तक ये खेल आयोजन हो रहा है यहाँ जबलपुर? ये 12 जनवरी से शुरू हुआ था और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जिस दिन जयंती है उस दिन समापन होगा। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस से लेकर के एक जोश के प्रतीक कहे जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस तक ये आयोजन है। और इसके साथ जैसे ये क्रिकेट है, यहाँ तो एक टीम स्पर्धा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो टीम स्पर्धा में खेली जाती है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि परंपरागत स्तर पर भी कई आयोजन हो रहे हैं, जैसे कुर्सी दौड़ चल रही है पीछे साइड, कंचे की बात हो रही है, गुल्ली डंडा भी है यहाँ पर, तो इन आयोजनों को किस तरीके से यहाँ अंजाम दिया जाता है, वो व्यक्तिगत स्तर पर किए जाते हैं या टीम स्तर पर किए जाते हैं, क्या उसके पीछे का? सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सोच को आप देखिए कि जो खेल, अभी मैं इसका प्रभारी हूँ 2-3 खेलों का, बताते हैं बच्चों को मालूम नहीं उन गेमों को, कौन कौन से खेल के प्रभारी हैं, कन्ना कौड़ी गिल्ली डंडा, तो ये गेम लोगों को मालूम नहीं, जो नए बच्चे आते हैं उनसे खेलते नहीं बनता, वो जानते नहीं है, तो मोदी जी की सोच देखिए आप कि जो हमारे पूर्वजों ने जो गेम खेले, पारंपरिक खेल हैं, उन खेलों को आम नागरिकों तक, बच्चों तक पहुंचाने के लिए उनने जो संसद खेल महोत्सव पूरे देश में चालू किया है, उसमें हमारे जबलपुर के सांसद माननीय राकेश सिंह ने बढ़ चढ़कर इतना अच्छा सहयोग उनने किया और आयोजन किया कि हम लोगों को निर्देशन देके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पारंपरिक खेल से चल रहा है इसमें प्रतियोगिता नहीं है, इसमें खेलो और माननीय सांसद जी आप खेले तो उनके द्वारा आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, तो हमारे
जबलपुर शहर के बहुत बच्चे हैं, महिलाएं हैं, नवयुवक हैं, आ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी आ रहे हैं और वो तो खेल खेल के ऐसा बोल रहे कि हमें बचपन की याद आ गई, ये खेल बचपन में खेला करते थे, बचपन की उम्र में बचपन याद आ रहा है। ये सांसद खेल का जो है तो आनंद है, आनंद है तो बहुत आनंद ले रहे हैं लोग, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, जो पारंपरिक खेल है इनको आप खेलें, आनंद लें और अनुभव करें कि अपन जब बच्चे थे बाल सखों के साथ कैसे खेलते थे, वो सब अनुभव करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सांसद खेल ये पूरा चल रहा है और यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच चल रहा है। हमने विधायक जी से बात की, यहाँ हमने पश्चिम क्षेत्र के टीम के प्रभारी से बात की और हमने जाना कि किस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर खेल शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और आप भी यहां पर आकर जो परंपरागत हमारे खेल हैं उनका आनंद ले सकते हैं। यहां पर प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।